नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको इन प्रेशर हॉर्न के बारे में बताऊंगा, कितने के आते हैं और कैसे इनको ट्रैक्टर पर इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए आप, ये 6 पाइप्स हॉर्न है। आप इनको ले सकते हो, ये 3,000 से लेकर 2,500 से लेकर 3,3500 के अंदर मिल जाएंगे आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप लें ये वाले जिनके ऊपर ये लगा हो। एक आते हैं सीधी पाइप वाले, वो पूरी पाइप कनेक्ट होती है इनके साथ। अगर वो लेते हैं, कोई भी ख़राब होता है इसमें से, तो वो पाइप यहाँ से बंद करनी पड़ेगी और एक ये काम नहीं करेगा। अगर ये ख़राब होते हैं तो ये दोस्तों चेंज हो जाता है, आप इनको चेंज कर सकते हो। आपको ये बाज़ार से मिल जाएगा, आप इसको चेंज कर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर कहाँ पर लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्रेसर है, ये आपको 2,2500 रुपये का मिल जाएगा। अगर कोई पुराना डिस्पोजल लोगे तो आपको ये 1,1500 का मिल जाएगा। ये किसी भी पुरानी गाड़ी का जो एसी वाला कंप्रेसर होता है, ये वही होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ये, ठीक है। आप इसको ये देखिए, ऐसे आप लगा सकते हो, अल्टरनेटर से कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से आप जैसे आपको लगे आप कनेक्ट कर सकते हो इसे। कोशिश करें कि आप इसको अंदर ही लगाएं, अगर बाहर लगाओगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, दिखने में बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ से ये हवा लेता है, या ऊपर आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। अगर अंदर मिट्टी जाती है तो ये ख़राब हो सकता है। ऊपर फिल्टर लगाएं इसके। अगर कहीं भी ज़्यादा मिट्टी के अंदर आप काम कर रहे हो तो प्लीज़ इसे आप ना ऑफ ही रखें, इसको ऑन मत कीजिए। अगर ऑन करोगे तो मिट्टी के अंदर ये मिट्टी खींच लेगा, अंदर मिट्टी अंदर जाने से ये ख़राब हो सकता है। ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ये पाइप्स है, इधर से ऐसे आकर ये टैंक के अंदर ये जाएगी। मैं आगे इसको टैंक के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये टैंक है, आपको 1,1500 का ये मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। ये छीक लगी हुई है, आप इसको सेट कर सकते हो दोस्तों, 100 पर 110 पाउंड पर ये सेट हो जाएगी, 110-15 इतने पर। आप अपने टैंक के हिसाब से, आप छोटे बड़े के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 1200-1300 रुपये का ये सिस्टम है। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा, कंप्रेसर चल रहा है, पाइप फट सकती है, ये टैंकी भी फट सकती है, टैंक है जो हवा वाला, ये भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है आपको। इसलिए ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी 110 पॉइंट हवा होगी तो यहाँ से ये हवा रिलीज कर देगा। तो कंप्रेसर चलता है तो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जब भी हवा पूरी हो जाए आप उसको बंद ही कर दें, चलने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये टैंक आपको 1,000 का मिल जाएगा और वो वाली आपको 1200-1300 रुपये की मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी स्विच, ठीक है। यहाँ से ये अलग तरह की आवाज़ें निकालेगा, एक ये लगेगी और 2 स्विच ये लगेंगे अलग से, ये रहे ये वाले स्विच, 2 अलग से ये लगेंगे। एक यहाँ पर 20 आवाज़ें निकालेगा, ये यहाँ पर भी 20 निकालेगा, यहाँ पर 20 निकालेगा और यहाँ पर भी 20 अलग तरह से निकालेगा। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई भी कनेक्ट करके दे देगा स्विच। तो मैं आपको बजाकर दिखा देता हूँ ये कैसे बजते हैं। ये बस ये दोस्तों ऐसे बजते हैं, 40 तरह की अलग अलग आवाज़ें निकालता है ये। तकरीबन इसका खर्चा 3,000, 5 और 7-8 हज़ार में काम चल जाएगा।
और यही ध्यान रखें कि एक कंप्रेसर का स्विच लग जाता है यहाँ पर, ये कंप्रेसर ऑन ऑन ऑफ का स्विच लग जाता है ये रहा। बस इसको जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए, जब यूज़ करना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। जब आप इसको ऑन करेंगे तो कंप्रेसर हवा बनाने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं पता चला किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ट्रैक्टर फैन। हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।